हमने दो सेक्शंस खत्म किया था. फर्स्ट सेक्शन कौन सा था? बिफोर. सेकंड सेक्शन क्या है? ड्यूरिंग. अब आते हैं हम आफ्टर वाले सेक्शन में. यहां पे भी हम सिर्फ तीन पॉइंट सीखने वाले हैं. आफ्टर में हमारा सबसे पहला पॉइंट, और ये पूरे प्रोसेस में जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर ये जो पॉइंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही जरूरी पॉइंट है. वो ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि लर्निंग और स्टडी करना, एजुकेशन हासिल करना एक वन टाइम चीज है. हालांकि सही बात यह है कि स्पेस्ड लर्निंग से रिजल्ट्स अमेजिंग और स्पेक्टेकुलर तौर पर आगे बढ़ते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप 5 घंटे पढ़ सकते हो तो हम कहते हैं 5 घंटे एक साथ पढ़ने की जगह 1-1 घंटा 5 बार पढ़ लो सेम टाइम. मैं नहीं कह रहा हूं 5-5 घंटे 5 बार पढ़ो, लेकिन वो 5 घंटे अगर आप डिवाइड कर दोगे उसका रिजल्ट वो वन टाइम 5 घंटे से ज्यादा बेटर हो जाएगा. कैसे? हम देखते हैं कि यहां पर हमारे माइंड्स जिस तरह से होते हैं. देखिए माइंड्स को अगर हम देखें, कोई चीज आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम पर आपने मेमोराइज किया, पढ़ते टाइम पर आपने समझा, समझने के बाद हम क्या देखते हैं कि एक फीलिंग आती है, हाँ मुझे तो ये टॉपिक आ गया. और ये जो फीलिंग एक तरह का डिसेप्शन होती है, धोखा होता है. हमारे माइंड्स इस तरह से काम करते हैं कि एक चीज पढ़ने के बाद एक शख्स भूलना शुरू करता है, फिर थोड़ी देर बाद जब फिर से उठाते हैं, जब नेक्स्ट टाइम, तो काफी भूल चुका है लेकिन अभी उस चीज को कवर करने में उसे पहले जितना एफर्ट नहीं होगा उससे बहुत कम एफर्ट होगा. मिसाल के तौर पे साइकिलिंग जिसे आती है, अब साइकिलिंग वो अगर छोड़ दे फिर बाद में साइकिल हाथ में उठाए तो भी बहुत आसानी से वो उसे रिकैच कर लेगा. तो अब भले ही उसे फीलिंग आ रही होगी कि मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा. स्विमिंग जिसे आती है तो वो सोच रहा है अभी मैं फिर से पानी में जाऊंगा तो स्विमिंग आएगी नहीं आएगी. लेकिन हमारे माइंड्स अल्लाह ने इस तरह से बनाया है कि ये माइंड्स को हम बहुत आसानी से उसको फिर से रिकैच कर सकते हैं. रिमेंबर करने में हमारे माइंड्स में एक स्पेशल एबिलिटी होती है. और आपको पता है ये जो प्रोसेस है ना, याद करना, भूलना, याद करना, फिर से भूलना, फिर से रिवाइज किए, ये प्रोसेस से लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होती है. जैसे मिसाल के तौर पर आप अक्सर देखेंगे कि स्कूल में क्या पढ़े थे, पूछो अगर, हाँ तो स्कूल में क्या पढ़े थे उसमें से बहुत ही कम चीज़ें याद आती हैं. हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्पेस्ड लर्निंग प्रोसेस के साथ जब वो करते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनता है. और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे मल्टीपल टाइम्स में लर्न करें. फर्स्ट टाइम में लर्न किया, आपने पढ़े, कच्चा पक्का याद हो गया, छोड़ दीजिए. सेकेंड टाइम लर्न कर रहे हैं, उससे रिवाइज कर रहे हैं, जो आपको लगेगा इनिशियली लगेगा मैं भूल गया, अरे मैं पूरा पढ़ा था वेस्ट हो गया, डोंट वरी, फिक्र की कोई बात नहीं है. उसको क्या करना है, आपको फिर से पढ़ना है. नाउ आप अभी उस चीज को ज्यादा इजीली कैच कर पाएंगे. ये बहुत जरूरी है स्पेस्ड लर्निंग. हाँ स्पेस्ड लर्निंग प्रोसेस. इस ताल्लुक से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें ये बात साबित हुई है कि ये लर्निंग प्रोसेस फार सुपीरियर होता है. और जो मेमोरी एक ही बार में आई है वो एक ही बार में चले भी जाती है. जो एक बार आई है फिर भूल करके फिर से रिवाइज किए, फिर भूल करके फिर से रिवाइज किए, तो वो चीज़ की मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग और लॉन्ग टर्म होती है. कोई ताज्जुब की बात नहीं, अगर आप कुरान पढ़ें तो आप देखोगे कि जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, डे ऑफ जजमेंट के बारे में, अल्लाह के बारे में, एक साथ में एक जगह पे सब कुछ दिया है. ऐसा नहीं है, स्पेस्ड लर्निंग है. जन्नत के बारे में आ रहा है, फिर स्पेस के बाद में फिर से थोड़ा और मेंशन आएगा, फिर थोड़ा और मेंशन आएगा. थ्रू आउट द कुरान हर जगह पर ग्रेजुअली आपको ये सारी चीज़ों का मेंशन मिलेगा जो बहुत फाउंडेशंस ऑफ फेथ है. तो वो स्पेस लर्निंग से बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ रीइंफोर्स होती है दिमाग में. तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें. आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है. आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए. अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें. आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है.